Good to see you again. This is 8th lecture of physics chapter magnetic effects of electric current. इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, तो फिर आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट शो करता है, उसी तरीके से ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास या फिर किसी मैग्नेट के पास हम एक कंपास को रखें, तब वो डिफ्लेक्शन शो करता है। जब हम एक बार मैग्नेट के पास या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आयरन फाइलिंग्स डालें, तब वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाती हैं। एक रीजन में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वहां पे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में होती हैं और ये कभी भी मीट नहीं करती। यस सर। और फिर हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यस, हमने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आयरन फाइलिंग्स डालेंगे, वो तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने फिर राइट हैंड थंब रूल की मदद ली थी, जिसमें हमने समझा था कि जब हम अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स रोल होंगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। हमने फिर सर्कुलर कॉइल और सोलेनॉइड के बारे में भी बात की थी। सर, फिर हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एग्जर्ट करता है। करेक्ट, हमने पढ़ा था कि जब हम उस ए बी रॉड से करंट पास करवाएंगे, तब वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में है। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए फोर्स की डायरेक्शन भी पता लगाई थी। हमने पढ़ा था कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, हम मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो थंब को स्ट्रेच करने के बाद वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हमने पढ़ा था कि ये जो पूरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसी के जरिए जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क करती है। इसी इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर में जो एक्सल होता है वो रोटेट कर पाता है, जिससे हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सर, फिर हमने पढ़ा था कि एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करने से करंट प्रोड्यूस होता है। यस, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि जब हम अपने राइट हैंड की फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, हम अपने थंब को कंडक्टर की मूवमेंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो मिडल फिंगर है उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर रखने पर वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी इफेक्ट से इलेक्ट्रिक जनरेटर भी वर्क करता है। हमने समझा था कि एक्सल को रोटेट करने पर हमें अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी मिलता है, और जब हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज करते हैं तब हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। सर, फिर हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात की थी। यस, हमने रेड ब्लैक और ग्रीन वायर के बारे में भी बात की थी। हमने पढ़ा था कि हमारे घर में 15 एम्पियर और 5 एम्पियर के सर्किट्स यूज होते हैं, और जो रेड और ब्लैक वायर होती है उन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। हमने समझा था कि जो फ्यूज है या फिर अर्थिंग है, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। सो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर से हमें पता चलता है कि हीटिंग की ही तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, और हम अपनी डेली लाइफ में इसी इफेक्ट को बहुत जगह यूज करते हैं, और उनके बारे में आपको इस चैप्टर में पता लग गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो उनको प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर है वो फोर्स एग्जर्ट करता है, उसी तरह
इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस पे फोर्स एक्सर्ट कीजिए, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो हियर दिस चैप्टर एंड्स। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ जियोग्राफी सब्जेक्ट। क्लिक ऑन द सर्कल टू सब्सक्राइब सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम PU Stack. Thank you for watching and have a good day.